अभी के टाइम पे गाइस मैं इतना ज्यादा गरीब हो गया कि पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहा हूँ। देख सकते हैं अभी भी मैं पिज्जा डिलीवर करके आ रहा हूँ और शिनचैन को पुलिस पकड़ के ले गई है, उसको जेल हो गई है। बट ये मैं बाद में बताऊंगा कि उसको जेल क्यों हुई है, किस वजह से पुलिस पकड़ के ले के गई। अभी मैं शिनचैन को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। पुलिस वाले तो भाई डिमांड कर रहे काफ़ी सारे पैसे की, जो मेरे पास नहीं है। मेरे पास पैसे क्या, मेरे पास तो चप्पल पहनने के पैसे नहीं है। देख सकते हैं मेरे पास जूते भी नहीं है यार, इतना ज़्यादा गरीब हो गया। चल कोई ना यार, थोड़ी सी इनसे हेल्प मांग लेते। हेलो सर, शिनचैन से मिलना है। नीचे चले जाओ, नीचे शिनचैन। चल कोई ना यार, मिलने दे दिए, नीचे चलते भाई। थोड़ी इनसे ना हेल्प वेल्प की डिमांड कर देते, अगर तो इन्होंने छोड़ दिया ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बट ये छोड़ने वाले नहीं, इन्होंने मेरे को पहले भी बोला था कि हमें ना मिनिमम 20 से 30 लाख रुपये देगा, फिर हम शिनचैन को छोड़ेंगे। अरे यार फ्रेंकी यार, मुझे जल्दी से बाहर निकाल दे यार, मैं क्या करूँ यार, तेरे को छुड़वाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। सर इसको छोड़ दो ना। अब ऐसे कैसे छोड़ दें, तेरे को बोला ना 15 से 20 लाख रुपए का अरेंजमेंट कर। चल यार सिंचन, मैं ना 15 से 20 लाख का अरेंजमेंट करता हूँ। अरे फेंकी यार, जल्दी करना यार, मैं तेरा थक गया यार, मेरे को कुछ खाने को नहीं दे रहे। मैं भी क्या कर सकता हूँ तेरे सामने, मेरे पास चप्पल पहनने के पैसे नहीं है। बट पैसों का अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा यार, वरना यार हम तो ऐसे मर जाएंगे। सिंचन तो मर ही रहा, उसको खाने को कुछ नहीं दे, 2 दिन हो गया और मैं भी इतना ज़्यादा गरीब हो गया हूँ ना कि देख सकते कपड़े भी नहीं चेंज करे। एक बुरेन है सर, 15 से 20 लाख रुपए ले गया जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। चल कोई ना सर, मैं कर लेता हूँ, 15 से 20 लाख का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। चलो यार चलते हैं अपना, कुछ समझ में नहीं आ रहा करूँ और क्या करूँ, करना तो कुछ पड़ेगा ही। ऐसा करता हूँ कि ना बैंक में चलते हैं, लास्ट ऑप्शन मेरे पास यही बचती है अभी के टाइम पे, क्योंकि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। बैंक में चलते हैं और चल के ना भाई रोबरी करते हैं, मे बी हम ना कुछ पैसे हो जाए हल। चल यार कोई ना यार, यही लास्ट ऑप्शन बचती, अभी चलते हैं बैंक में। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि शिनचैन को पुलिस ने पकड़ा क्यों। कुछ ना मैटर इस तरह का बन गया था कि हमारे घर में ना चोर आ गए और शिनचैन ने एक चोर को ना मार दिया, जिसकी वजह से चोर के जो साथ वाले गैंग वालों थे ना, उन्होंने कंप्लेन कर दी पुलिस वालों को, इन्होंने हमारा बंदा मार दिया। बट हमने कहा वो चोर है, उन्होंने कहा ये चोर नहीं था, वैसे ही गलती से हमारे घर में आ गया। इसी तरह पुलिस वालों ने यार पैसा वैसा पकड़ के ना हमारे रेलवेंट केस ठोक दिया और शिनचैन को जेल में हो। चल कोई ना यार, बैंक आ गया, अभी रोबरी करना पड़ेगा क्योंकि पैसों की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर पैसे ना मिले तो भाई भूख से ही मर जाएंगे, क्या ही कर सकते। बैग पहन लिए भी चलते हैं, मे भी हो सकता है कि हम बाहर निकले, पुलिस वाले हमें वहाँ पे ख़त्म कर दे। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीन होने वाला है यार, वीडियो को स्किप मत करना यार, वीडियो को मत छोड़ा करो। चलो भाई सबसे पहले तो हम कैमरे तोड़ते हैं। अबे टूट जाना यार, मैं टूट क्यों नहीं रहा, दूसरी बड़ी गन निकालनी पड़ेगी, छोटी गन से तो कुछ हो ही नहीं रहा भाई। टूट जा, क्या कर रहा है तू। चल हाँ अब टूटेगा, टूट गया, दूसरे भी तोड़ते, ये भी टूट गया। एक वो लगाओ, एक पीछे भी लगा हुआ है, इसको तोड़ते। चल अभी अंदर चल के सारे तोड़ देते, एक दो तीन तीन तोड़ दे, एक अंदर भी लगा होता है। हाँ काफ़ी सारे बैंक में लगा होते, इस बैंक में लगा, हाँ लगा हुआ है, इसको भी तोड़ते। अब जाके ना भाई इसके ना असिस्टेंट को बाहर निकालते। चल भाई भाई राजा, भाई राजा निकल निकल, भाई रहा आ रहा है, आ रहा है, जल्दी निकल जाके तिजोरी खोल, मेरे को पैसा चाहिए, जल्दी कर जल्दी। चलो यार जल्दी कर भाई, कर भी क्या सकते थे, हमारे पास कोई ऑप्शन बची नहीं थी पैसे के लिए, अगर ना करते तो वैसे भूख से मर जाना था। अबे जल्दी खोल दे भाई, मेरा मीटर बहुत ज़्यादा शार्ट हो रहा है, मैं क्या ही बोलूँ इतनी। अरे जल्दी खोल दे यार, जल्दी खोल, जल्दी खोल दे भाई, पैसा चाहिए, पैसा पैसा चाहिए, पैसा, जल्दी खोल जल्दी खोल, अरे खोल दे, क्या कर रहा तू। चल यार खुल गया, गोल्ड पड़ा होना तो मज़ा जाए, वो भी गोल्ड ही पड़ा हुआ भाई, खतरनाक सीन हो गया। उठाते उठाते जल्दी से सारे का सारा गोल्ड ना बैग में डालते, बस अभी खतरा ये हो ना वो ना, मैं इससे बाहर निकलूँ बैंक से और बाहर पुलिस मेरा वेट कर रही होगी, जैसे ही बाहर इसको अरेस्ट कर ले। फिर डाल लिया डाल लिया, सामने डायमंड पड़े हुए हैं बट हम उसको नहीं चोरी करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और बैग में इतनी जगह है ही नहीं कि वहाँ पर डायमंड भी रख सकें। निकलते हैं भाई, अभी पुलिस की आवाज़ आ रही है बट हमारे पास अभी तक पुलिस की कोई गाड़ी पहुँची नहीं, उसकी दूर दूर आवाज़ आ रही है, पुलिस आने वाली है। कोई नहीं यार, हमने जल्दी से हो गए फिर सकते हैं भाई, ये बड़ी अच्छी बात होगी, हम जल्दी जल्दी रोबरी करा, और अगर हम डायमंड के सीन में फंस जाते ना तो हो सकता था पुलिस वाले में बाहर अरेस्ट करने आ जाते। अच्छा हमने डायमंड नहीं पकड़े और गोल्ड के साथ ही अपना सारा काम करके निकल गए, अब तो यार काफ़ी सारा पैसा आ गया। कार चेंज कर ले तो मेरा भाई, हाँ पीछे वाली कार पकड़ ले तो, क्योंकि बैंक के भाई तो CCTV लगे और उसमें सारी फुटेज आ जाएगी कि भाई बंदा ब्लैक कार में भाग रहा है। ये वाली पकड़ लेता हूँ, ये पकड़ते निकलते। अबे यार पीछे हेलीकॉप्टर ने देख लिया, काम खराब होगा, ब्लैक कार ही बेस्ट थी, ये तो ऊपर से गोलियां मार रहा है, मेरे को लग रहा है यही से ख़त्म कर देगा। ये ब्लैक कार ही बेस्ट थी यार, इनको तो पता चल गया ये पीछे से भी आ गया। लो ये तो कार चेंज करके ना काफ़ी, क्या ही करूँ यार, निकलना पड़ेगा। कार एकदम ना फास्ट स्पीड से भाग रही, अगर तो गाइस मैं ना भागने में एकदम सक्सेसफुल हो गया ना तो हमारे पास इतना सारा पैसा आ जाएगा
जिससे हम महंगी महंगी कार बाय करेंगे और एक बहुत ही बड़ा सा घर बाय करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पुराने घर का क्या बना। गाइस उसका क्या बनना था, वहाँ पर गैंग वालों ने कब्जा कर लिया है, जिनके पास काफ़ी सारा पैसा है, जिसकी वजह से पुलिस वाले भी हमें कुछ उनको कुछ कह ही नहीं रहे, उल्टा हमें डांट रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी है। क्या करे, यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई, मेरी जान छोड़ दो यार, मेरे को शिंचन को छिड़वाना है। उसने 2 दिनों के कुछ खाया पिया ही नहीं है, पुलिस वाले कुछ दे ही नहीं रहे, बोल रहे कुछ पैसा देगा तो फिर उसको पिलाएंगे ना। चल कोई ना यार, भागते हैं यहाँ पे ना, कोई साइड पे निकलते हैं। मेन रास्ते पे तो काफ़ी सारी पुलिस आई हुई, ये रास्ता किधर जा रहा है, निकलते यहाँ से। निकलते पे मैं फंस गया पीछे को करके ना, फिर निकल ही नहीं रहा यार। बट अगर निकल गया ना, मेरे को लग रहा है कि आगे कोई ना अजीब सा कोई सुनसान एरिया नज़र आ रहा है। निकल गया यार, चलते हैं। हाँ, ये मेरे को याद आ गया, यहाँ पर आगे की टनल बनी हुई है, जहाँ पे मैं काफ़ी दफ़ा आया हूँ रोबरी करके, वहाँ पर टनल पे जाके ना सेफली रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो टनल पे जब जाएंगे पुलिस वालों का ना, वहाँ पर आना काफ़ी ज़्यादा, अभी कार आ रही पुलिस वालों की। चल निकल गए, वहाँ पर टनल पे ना पुलिस काफ़ी कम आती है, उनको पता नहीं है सीक्रेट टनल बनी हुई है। ये आगे थोड़ा सा टर्न लेके आगे चलते हैं, ये आगे टनल, इसमें टर्न ले लेते हैं अंदर। चल यार अभी पुलिस, चलो यार चलते हैं। तो मेरे पुलिस वगैरह ना निकल निकल गई होगी घर को, काफ़ी गाइस मेरे को देर होगी यहाँ पे खड़े खड़े। निकलते हैं यार, आगे निकलते सीधा चलते हैं यार पुलिस स्टेशन, क्योंकि पुलिस वालों को ना कुछ पता वता नहीं है। हमने टनल में काफ़ी देर स्टे करा है और पुलिस वाले घर को चले गए। बट अभी ये खतरा हो सकता है कि हम पुलिस स्टेशन जाएँ और उनको लगेगा यार ये वही बंदा है जिसने भी बैंक में रोबरी करा। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ना फुटेज ना बनी हो, अगर फुटेज बनी हुई कोई भी मेरे को अरेस्ट कर लेंगे। कोई नहीं यार, मैं उम्मीद करता हूँ नहीं बनी होगी। सो गाइस मिलते हैं सीधा पुलिस स्टेशन बोल रहा हूँ, पुलिस स्टेशन पर, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। फाइनली यार पुलिस स्टेशन पहुँच गए हैं, मैंने कार को ना साइड पे पार्क कर दी है, सामने फ्रंट पे पार्क नहीं करा। हो सकता है पुलिस वालों को ये नज़र में ये कार आ गई हो, तो यार अभी ये बैंक में जिस कार ने रोबरी करा था, इस कार में बंदा भाग गया। कोई ना चलते, अब मेरे को काफ़ी उम्मीद है कि पुलिस वाला, हाँ पैसे जब मेरे पास आ गए तो मैं क्यों नहीं मिलना देगा। हेलो सर, मेरे पास पैसे आ गए, मैं शिंचन को ले जाऊँ। अबे ले जा, तेरा ही बंदा, ले जा, कोई मसला है नहीं है, पैसे के सामने क्या चीज़ है, ठीक है पैसा आगे ले जा। ये देख ना कैसा, पैसे का नाम सुन के ना एकदम सारे सीधे हो गए और एकदम से इज्जत दे रहे हैं। चलते हैं, अब तो कोई रोकने वाला है ही नहीं है। ओ भाई ये जल्दी से ना, पहले सबसे पहले शिंचन को ना खाना खिलाना है। हेलो सर, लॉकर खोल दो। सर मेरे को ऊपर से इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, मैंने लॉकर खोल दिया, उन्होंने बता दिया शिंचन आज़ाद करवाना है। अरे यार फ्रेंकी यार, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार, तू इतनी लेट क्यों है, बट तू आ तो गया ना। फिर आ गया हूँ यार, चल ना ऐसा करते सबसे पहले ना मैं निकलते हैं पहले ना, बट तेरी ना जेल वेल देख लेता हूँ, तूने 2 दिन यहाँ पे गुजारे हैं। ये पीछे वाला डोर कहाँ पे जाता है, ये बंद है यार, वो ये खुला हुआ है। अरे फ्रेंकी यार, ये तो बंद था यार, ये खुल कैसे गया। वो बंदा बोल रहा था कि हमने लोकर वोकर खोल दिए और इसी, अभी निकलते हैं यार, ये सामने करोला कार खड़ी, इसमें बैठ के निकलते। एक तो हमने इनको पैसे भी नहीं दिए, अभी पैसे दिए, अपनी पैसे की डिमांड करी थी बट पैसे नहीं दिए और निकल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया यार। अरे फ्रेंकी, ये तो पैसे कहाँ से ले गया यार, अरे तेरे को क्या बोलूँ, बैंक में रोबरी करा खतरनाक तरीके से, अभी हमारे पास इतना सारा गोल्ड आ गया ना, हम बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गए हैं। ये मेरे को कार ना काफ़ी सारी अच्छी लग रही, मेरा दिल कर रहा है कार को ना अपने जो नया घर बिल्ड करेंगे ना उस घर में रख लेते हैं। बट गाइस अभी ना हमें ना किसी सेफ जगह पर जाना पड़ेगा, मेरे को लग रहा टनल ही सबसे ज़्यादा सेफ है, क्योंकि एक तो उन्हें बैंक में रोबरी करा, ठीक है ऊपर से पुलिस वाले भी मारे, पुलिस वाले मारने के बाद शिंचन को हम पकड़ के ले आए, यानी जेल से छुड़वा के लिए, जिसकी वजह से पूरे लोसाडा सिटी की पुलिस ना खतरनाक तरीके से मेरा पीछा कर रही है, मेरे को छोड़ने वाले नहीं है। कोई नहीं यार, हम चलते टनल में, आज रात यहाँ पे गुजारेंगे और सुबह निकलेंगे, एक बड़ा सा घर मैंशन वगैरह ना परचेज करेंगे और काफ़ी सारी कार परचेज करेंगे यार, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, आज रात ना यहाँ पे गुजार देते। अरे यार फ्रेंकी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार, यहाँ पे तो भूत होंगे। अब इसलिए तो मैंने यहाँ पे रोक दिया, मैं आगे नहीं जा रहा यार, क्योंकि तू डर जाएगा, आज रात यहाँ पे गुजारनी पड़ेगी। सो गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। इसके नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अरे यार तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते यार, देख रहे हो फ्रेंकी भैया ने मेरे लिए क्या क्या किया यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। ठीक है यार, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना यार, तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।